React.js आज के समय में दुनिया की सबसे पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी ये बन चुकी है। आपको लगता होगा React जब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था तभी से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, वो भी क्यों ना, फेसबुक ने जो बनाई थी। बट गाइज जब React फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था इसे बहुत ही हेट एंड नफरत मिली थी। तो आइए गाइज आज इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज React.js जिसको स्टार्टिंग में कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था बट वहीं आज वो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी बन चुकी है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड वेलकम टू रिएक्ट जेस हिस्ट्री। जी हाँ गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे रिएक्ट जेस जो है फॉर्म हुआ एंड इतना पॉपुलर बन गया। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड वीडियो को अभी तक प्लीज आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। ऑल राइट गाइस, तो हमारी ये जो कहानी है शुरू होती फेसबुक हेडक्वार्टर से सन 1910 में। फेसबुक के टीम को ये रियलाइज होने लग गया था जैसे जैसे उनका जो सोशल नेटवर्किंग साइट है द फेसबुक वो बड़ा होते जा रहा है वैसे उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है यूजर इंटरफेस की वो भी बढ़ती जा रही है। तो फेसबुक की टीम अब एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डेवलप या सर्च करने की सोच रहे थे जिसके चलते उनका जो डायनेमिक यूजर इंटरफेस है उनको वो बहुत इजीली लिख सके। तो उसी के चलते कुछ महीने बाद जो फेसबुक की टीम है वो इंट्रोड्यूस करती है XHP जो कि एक HTML कंपोनेंट लाइब्रेरी था फॉर PHP स्टैक एंड उनको वो ओपन सोर्स कर देते हैं। ईयर 2011 जब फेसबुक पर jQuery और backbone.js दुनिया का सबसे पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज थे और एंगुलर, नॉकआउट, एम्बर जैसे फ्रेमवर्क भी आ चुके थे, उस समय जावास्क्रिप्ट का फ्यूचर क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। इसलिए फेसबुक ने जावास्क्रिप्ट को और बेटर बनाने का सोचा ताकि वो अपने फेसबुक वेब को और बेटर बना सके। सेन, व्लादिमीर और विल बेली ने मिलकर bold.js नाम का एक फ्रेमवर्क बनाया। bold.js का यूज फेसबुक टीम अपने कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस बनाने के लिए कर रही थी, लेकिन फिर से वह वही प्रॉब्लम जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया उन्हें यह पता चलने लगा कि यार ये आगे जाके इसमें चेंजेस करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तब यहाँ पे एंट्री होती है जॉर्डन वॉक। जी हाँ गाइस, तो जॉर्डन वॉक ही वो थे जिन्होंने एक्चुअल में रिएक्ट जेएस को क्रिएट की थी। अब जॉर्डन वॉक जो कि उस समय फेसबुक में एड्स टीम के एक इंजीनियर थे उनको ये रियलाइज हो चुका था कि हमें कुछ तो एक ऐसे नए लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा जो हमारा यूजर इंटरफेस है उसको एकदम ईजी कर दे काम करने के लिए, समझ रहे हो। तब उनके पास एक आइडिया था कि क्यों ना जब भी कोई वेबसाइट को चेंज करेगा तो पुराना जो UI है उसको कम्प्लीटली हटा के एक न्यू UI को हम जनरेट कर देंगे। तो ये जो एक आइडिया है अपने आप में एकदम यूनिक आइडिया है, बाकी कोई फ्रेमवर्क इसका यूज नहीं कर रहे थे एंड जॉर्डन ने अपने इसी आइडिया पे गाइस काम करना शुरू कर दिया। तो अब जॉर्डन वर्क जो थे उन्होंने गाइस इसको धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू किया, जहां पे स्टार्टिंग में तो गाइस बहुतों को ये पसंद नहीं आया था लेकिन धीरे धीरे जो इंजीनियर्स थे फेसबुक टीम के अंदर ही उनको ये पसंद आने लगा। उन्होंने सोचा क्यों ना चलो इसको हम एक ट्राई करते हैं। तो उन्होंने React.js की मदद से फेसबुक का जो न्यूज़ फीड था उसको कम्प्लीटली रीराइट किया एंड देन उन्होंने एट द एंड में जो रिजल्ट देखा वो बहुत ही ज्यादा ऑसम था। तो React.js की इस पोटेंशियल को देख के गाइस जिन चैंग जो कि उस समय फेसबुक के जो मैसेजिंग ऐप को लीड कर रहे थे उन्होंने सोचा क्यों ना हम React.js की मदद से जो फेसबुक का मैसेजिंग ऐप है उसको कम्प्लीटली एकदम रीराइट करें। तो गाइस वहां पे भी इनको सफलता मिली एंड ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात थी कि React.js फाइनली ऑफ न्यू स्पीड एंड देन उनका जो मैसेजिंग ऐप है वहां पे वो काम कर रहा था। ईयर 2012 जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया तब इंस्टाग्राम के पास सिर्फ मोबाइल ऐप्स थी। अब फेसबुक टीम ये चाहती थी कि इंस्टाग्राम का भी एक वेब ऐप बने, लेकिन अब उनके पास तीन ऑप्शंस थे bold.js, vanilla.js with HTML एंड देन React.js। तब यहाँ पे पीट हंट की एंट्री होती जिनको ये React.js का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही पसंद आया एंड उन्होंने अपने इंजीनियर्स टीम के साथ मिलके इंस्टाग्राम को कम्प्लीटली गाइस और React.js के मदद से लिखा एंड देन उनको डिप्लॉय कर दिया। तो इस तरीके से इंस्टाग्राम का ये पहला फुली प्रोजेक्ट था जिसमें React.js की मदद से उन्होंने काम किया था। अब इसके बाद गाइस फेसबुक के पास भी दो फ्रेमवर्क थे, दैट इज bold.js एंड देन React.js। तो अब उनको ये डिसाइड करना था कि आगे उनको किस लैंग्वेज को लेके जाना है एंड वही बेसिकली उनके जो फ्यूचर है उसको डिसाइड करता। तो एट द एंड में फाइनली उन्होंने सोचा हम React.js के साथ चलते हैं। तो इस तरीके से गाइस React.js की शुरुआत हुआ एंड उसके बाद उन्होंने गाइस उनका जो फेसबुक का जो गूगल एड्स था बेसिकली उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया एंड वहां पे भी उनको सक्सेस मिला। फेसबुक को गाइस React.js इतना ज्यादा पसंद है उन्होंने सोचा क्यों ना अब हम इसको ओपन सोर्स कर दे। तो सन 2013 में टॉम ओकिनो एंड जॉर्डन वॉक ने जेस कॉन्फ्रेंस में गाइस हिस्सा लिया एंड वहां पे उन्होंने फर्स्ट टाइम दुनिया के सामने रिएक्ट को इंट्रोड्यूस कराया था एंड वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। फेसबुक टीम को ये मालूम था कि भाई टॉम एंड अपना जॉर्डन वॉक गए तो ये बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाला, लेकिन ठीक इसका अपोजिट हो गया। जब जॉर्डन वॉक ने फर्स्ट टाइम अपना ये JSX दुनिया के सामने रखा बेसिकली रिएक्ट,
तो लोग कंफ्यूज हो गए यार, ये क्या चीज है, ये XML इन जावास्क्रिप्ट इन HTML क्या कर रहा है ये, या HTML इन जावास्क्रिप्ट, ये क्या हो रहा है। इसमें जो सप्रेशन ऑफ कंसर्न जो था वो गाइस टोटली अलग हो गया। पहले क्या था, पहले जावास्क्रिप्ट का अलग फाइल, CSS अलग फाइल, जावास्क्रिप्ट अलग फाइल, लेकिन ये JSX में जो सप्रेशन ऑफ कंसर्न था वो एक अलग ही था, इट्स टोटली बेस्ड ऑन कंपोनेंट। तो उनको गाइस इनिशियली वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एंड लोगों ने एकदम नेगेटिव ट्वीट्स करना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस ये एक वो समय था जब उनको ये रियलाइज हुआ कि शायद रिएक्ट जेस जो फेसबुक के बाहर कभी कहीं अब यूज नहीं होने वाला, उनको ऐसी फीलिंग आ चुकी थी इतने नेगेटिव कमेंट्स देख के। लेकिन गाइस तभी एंट्री होती है सोफिया अल्फर्ट की, जो कि उस समय खान एकेडमी में काम कर रहे थे एंड वो एक अपने मैथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ backbone.js। लेकिन फेसबुक ने तो जो रिएक्ट उसको ओपन सोर्स कर दिया था, तो सोफिया ने सोचा क्यों ना भाई हम इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो सोफिया ने गाइस अपना वो जो प्रोजेक्ट है खान एकेडमी में जिस पे वो वर्क कर रही थी उसको उन्होंने रिएक्ट के थ्रू करने की कोशिश की एंड वो बहुत अच्छी तरीके से डिप्लॉय हो गया एंड मतलब सक्सेस हुआ वो भी। तो उस समय उनको ये फील हुआ अरे वाह यार ये तो अच्छा है। तो उन्होंने जो रिएक्ट की टीम है गाइस उनको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की। तो गाइस यही एक मेन टर्निंग पॉइंट थी रिएक्ट की हिस्ट्री में, जहां पे फेसबुक टीम को ये रियलाइज हो चुका था कि रिएक्ट की कोई भी फ्यूचर नहीं आउटसाइड फेसबुक। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोफिया ने अपने खान एकेडमी का एक प्रोजेक्ट में, एक मिनी प्रोजेक्ट में रिएक्ट के थ्रू वो कोड लिखा एंड डिप्लॉय भी कर दी। तो इस तरीके से उनका जो ये कोड लिखना था, तो ये पहला रिएक्ट का कोड जो आउटसाइड फेसबुक यूज हुआ वो तो बना ही बना। एंड साथ ही साथ गए सोफिया जो थी रिएक्ट टीम की फर्स्ट नॉन फेसबुक यूजर भी बन गई थी बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। क्योंकि उन्होंने देखो ना, क्योंकि रिएक्ट तो ऑलरेडी ओपन सोर्स हो चुका था, ओपन सोर्स में आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो एंड उन्होंने वो कंट्रीब्यूट किया। तो इससे आपको ये पता चलता है कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की कितनी ज्यादा वैल्यू है, जहां पे ना इंटरव्यू ना रेज्यूमे ना कुछ, जस्ट बिकॉज आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट की उस कंपनी को आपका काम पसंद आया उन्होंने आपको हायर कर लिया। सोफिया के साथ भी वही हुआ एंड सी बिकेम द फर्स्ट मेंबर जो कि नॉन फेसबुक मेंबर थी रिएक्ट टीम की। ठीक है, सो गाइस अब इसके बाद मैं क्या कहूँ, जो सोफिया अल्फर्ट थी उन्होंने अब ऑनलाइन लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दी। किसी को भी रिएक्ट का डाउट आता तो वो हेल्प करते, उसी तरह रिएक्ट की जो टीम थी वो भी लोगों की हेल्प करने लगी। एंड उसी साल गाइस जेस कॉन्फ्रेंस CEO में पीट हंट जो थे उन्होंने भी एक टॉक दिया था। ठीक है, तो ये अब एक ऐसा पॉइंट आ गया था जब धीरे धीरे रिएक्ट जो है लोगों के समक्ष यू नो पॉपुलर होने लगा, लोगों की इसकी वैल्यू पता चलने लगी, ईयर 2015। सो गाइस 2014 के एंड में आते आते रिएक्ट टीम को लगा क्यों ना अब हम अपना खुद का एक रिएक्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करें, है ना। तो जो फेसबुक की जो टीम थी जो रिएक्ट को हैंडल करे, तो उनको लगा शायद कुछ गिने चुने लोग आएंगे, जो भी हो हम कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन ठीक इसका अपोजिट हुआ, यू नो हुआ ये कि जब उन्होंने इसको लॉन्च किया एंड जब इन्होंने पेमेंट गेटवे को लाइक लाइव कर दिया, गाइस विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर ही सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए एंड उनका जो पेमेंट सिस्टम था वो क्रैश हो गया। तो इससे इनको ये पता चला वाओ यार, मतलब रिएक्ट जो सच में बहुत पॉपुलर हो रहा एंड वो जो कॉन्फ्रेंस था वो भी एकदम सक्सेस रहा। देन गाइस एंट्री होती है डैन एब्रामॉफ की। आज के टाइम भी बहुतों को ये लगता है कि रिएक्ट किसने बनाया, डैन एब्रामॉफ ने बनाया। अभी भी बहुतों को ये कंफ्यूजन है, बट रियलिटी आपको मालूम कि जॉर्डन वॉक थे जिन्होंने रिएक्ट को क्रिएट किया था। सो गाइस बताना चाहूंगा डैन ने यू नो रिएक्ट में काम करना और इजी हो जाए उसके लिए उन्होंने हॉट रीलोडिंग का लाइक इन्वेंट किया था। बेसिकली कोड लिखा था जहां पे अगर आप कुछ भी रिएक्ट में कोड करो देन अगर आप सेव करते तो वापस जाके आपको रिफ्रेश करने की नीड नहीं थी, वो ऑटोमेटिक वहां पे चेंजेस हो जाती थी। दूसरा उन्होंने गाइस रिडक्स को क्रिएट किया था, रिडक्स का इन्वेंट किया था जो कि स्टेट मैनेजमेंट में जाके आगे बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहा रिएक्ट के लिए। एंड देन थर्ड चीज जो था उन्होंने रिएक्ट DND बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी के लिए काम किया था, जो कि वो भी बहुत ही ज्यादा सक्सेस हुआ। तो गाइस इस तरीके से डैन जो थे गाइस उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट की एंड शायद यही वो कंट्रीब्यूशन है जिसके चलते लोगों को लगा शायद रिएक्ट जो है डैन ने बनाया था, बट इन रियलिटी वो उन्होंने नहीं बनाई थी। सो गाइस रिएक्ट जैसे आज के समय में एक ऐसा पॉपुलर लैंग्वेज बन चुका है जिसको स्टार्टिंग में तो इतना फेम नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे ही सही उसको पहचान मिलने लगी एंड आज वो एकदम टॉप पे है। तो गाइस इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जब भी अगर आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी लेके आते हो तो स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसका बेसिकली सामना आपको करना पड़ेगा एंड अगर आपके प्रोडक्ट में पोटेंशियल एंड दम है तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन एट द एंड में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो गाइस नेवर गिव अप। सो गाइस अब रिएक्ट जेएस का वर्जन 19 अभी कुछ 5-6 दिन बाद ही लॉन्च होने वाला एंड उसके बाद आगे फ्यूचर में ये कैसा परफॉर्म करेगा इसका तो हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ इस स्टोरी से सुनकर आपको इंस्पिरेशन जरूर मिला होगा कि कैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको स्टार्टिंग में ऐसा फील आया कि भाई इसकी तो कोई फ्यूचर ही नहीं आउटसाइड फेसबुक, लेकिन वहीं जस्ट बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स उन्होंने देखा कि कैसे धीरे धीरे ये पॉपुलर होने लगा एंड आज ये टॉप पे है।
तो आई होप आपको इंस्पिरेशन जरूर मिला होगा। एंड अगर आप भी अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हो तो गाइस डोंट गिव अप, आप अपना 110% देते रहिएगा। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। गाइस अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो जो आप शेयर करना चाहते हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या अगर आप चाहते हो कि मैं कोई दूसरे पॉपुलर लैंग्वेज या कोई भी नॉन पॉपुलर लैंग्वेज के ऊपर स्टोरी सुनाऊं या इस तरीके का डॉक्यूमेंट्री बताऊं तो प्लीज आप कमेंट करके उस लैंग्वेज का नाम जरूर लिख दीजिएगा। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कीजिएगा, एंड अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, क्योंकि गाइस बहुत जल्द अब मैं रिएक्ट वर्जन 19 का सीरीज लेके आने वाला हूँ, तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा एंड मैं नहीं चाहता ऐसे ऑसम वीडियोस को आप मिस करो। सो गाइस प्लीज लाइक एंड शेयर भर भर के कर दीजिएगा, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। और गाइस मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।